अक्षरा सिंह आ रही है, आ रही है भैया, आएंगी अब बीजेपी के साथ आएंगी। हाँ, मोदी के झोली में होंगे। हाँ, यहाँ से पवन सिंह लिख लेंगे। अच्छा, जो करिएगा तुम ना। अच्छा, खर्चा करेंगे उधर वोट चल जाएगा। भाई देखिए भैया, इनका कहना है कि जिधर खर्चा हमको मिल जाएगा उधर पवन सिंह। काराकाट क्षेत्र से पवन सिंह जीत रहे हैं। हाँ, इनसे किसको वोट देना है अब की बार बदलना है। किसको लाना है? वैसी को लाना है। वैसी को लाना है। वैसी को लाना है, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, तो सब कोई तो देखिए ना। पवन क्या करेगा, रात चलाएगा कि फिल्म बनाएगा? पवन कुछ नहीं करेगा। हाँ, क्या करेगा, लहर बड़ी तगड़ा दौड़ा हुआ, पवन सिंह ही करेंगे। पवन सिंह वो करेंगे, होने दीजिए दौड़ा, कुछ नहीं होने है। देखिए भैया, यहाँ पे जो है तमाम लोगों का कहना है कि पवन सिंह कुछ नहीं है। कहाँ है, मतलब कुछ पहले बार आए हैं, पहले बार आकर क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा क्या कर दिया आकर? वो भी नहीं किए हैं, जीतने के बाद वो आए नहीं। हाँ, हम लोग के एरिया में आए नहीं ना। हाँ ना, हम लोग देखिए आप ना कुछ नहीं किए ना। अभी लोग न जिताते हैं उनको। हाँ भैया, तो वही से जिता कर लू, वही से अब देखना है। अब दूसरा पार्टी को ले आए, दूसरा पार्टी आए तो वो क्या करेगा? पवन सिंह की बुलाइए, पवन सिंह का कोई जरूरी है, उसको बुलाएंगे, उसको चाहिए उसको बुलाएंगे। देखिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए नाश्ता पानी हो रहा है यहाँ पे। अब की बार केकरा के लावे के बाद भैया, पवन सिंह है की उपेंद्र कुशवाहा? केकरा के देखा जी, पवन सिंह के। पवन सिंह के, पवन सिंह का की बड़ा लगेगा। हाँ, अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा विकास कैले बढ़ेगी ना क्षेत्र में? पहले बार हो पहले बार। हाँ, पहले बार, पहले बड़ा। हाँ, तो लोग कहते हैं कि कुछ विकास नहीं के बिल जोन बात हो नहीं सही को सही बात ना। कैले बार, कैले बड़े विकास, कैले बड़े उपेंद्र कुशवाहा विकास जी? कुछ ना। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कुछ भी नहीं। क्या पवन सिंह को मानते हो? यस। तब वोटर लिस्ट में तुम्हारा नामो नहीं होगा। मेरे पापा देंगे ना, पापा जी वोट देंगे पवन सिंह को। देखिए पापा जी वोट देंगे, तुम्हारे भी पापा जी वोट देंगे। हाँ, देंगे, मारेंगे तबड़ा का खींच के वो ना, तो कहेंगे कि पवन सिंह के देवे के बाकी उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव के बाद कभी आए है ना? तो फिर अब की बार पवन सिंह को लाना है। पवन सिंह को लाना है, देखते हैं कि क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार के लिए देखते हैं कि अभी अक्षरा सिंह आ रही है, आ रही है भैया, आएंगी अब बीजेपी के साथ आएंगी। बीजेपी के साथ आएंगे, देखिए कौन आए। यहाँ पवन सिंह है। पवन सिंह क्या बुला रहे हैं यहाँ पे, क्या आइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोलने के लिए लोग उत्सुक भी है। क्या कहना चाहेंगे, किसको इस बार लाना है? पवन सिंह को। पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं? नहीं। क्या है, विकास नहीं हुआ है? विकास एक बार हमारे यहाँ वो थे, सांसद थे। अच्छा, वो आते नहीं है, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, अभी कहाँ है? अभी तो हमको लगता है दिल्ली होंगे, अभी भी दिल्ली। हाँ, मोदी के झोली में होंगे। हाँ, यहाँ से पवन सिंह लिख लेंगे। हाँ, चाहे जितना जोर है लगा लीजिए। अच्छा, तो मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी का हाथ है तो हम जीतिए जाएंगे। तो मोदी जी कैंडिडेट सही नहीं दिए, पवन सिंह को दे देते टिकट, वही फिर उपेंद्र कुशवाहा को लाके दिए। क्यों दिए? निर्दलीय पवन सिंह है, आप लोगों का पूरा जोड़ है कि इस बार। हाँ, पवन सिंह जीतेगा ही जीतेगा, निर्दलीय ही जीतेगा। बीजेपी के तरफ से जो है प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के तरफ से देख रहे हैं कि तमाम कलाकारों को भी उतारा जाएगा। मनोज तिवारी है, अक्षरा सिंह और लोग यहाँ। अक्षरा सिंह यहाँ, मनोज तिवारी नहीं आ सकते हैं बीजेपी का प्रचार। हाँ, ये राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है काराकाट, यहाँ से बाबू साहब जो चाहेंगे वही होगा। पवन सिंह जीतेगा। पवन सिंह, हाँ फिक्स है। और भी लोग यहाँ पे देखिए, उनसे भी बात करते हैं, क्या लगता है कि कौन है इस बार? हम लोग यहाँ का नहीं है। कहाँ के? बक्सर विधानसभा है। हाँ, काराकाट से नहीं है, हम लोग क्या उम्मीद लगाएंगे वोट में जब नहीं। लहर क्या लगता है यहाँ? लहर क्या, जब वोट नहीं मारेंगे हम लोग तो क्या बता सकते हैं यहाँ? ग्राउंड पे तो काम चल रहा है पवन सिंह। हाँ, ग्राउंड पे पवन सिंह का काम चल रहा है। देखिए और भी लोग यहाँ पे यूथ है, इनसे भी बात करते हैं, लेके आइए थोड़ा सा। कौन है भैया यहाँ से अब की बार? पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा जी? पवन सिंह। पवन सिंह जी, पवन सिंह को वोट जाएगा? पवन सिंह को वोट जाएगा। पवन सिंह का जाएगा। अच्छा, काहे आप लोग इतना मैंने उदास है उपेंद्र कुशवाहा जी से? बस आए हैं तो कुछ का किए हैं ना, का किए हैं भैया? पवन सिंह है जो आपकी परि नया चेहरा है, उसको उमंग, नया चेहरा नया उमंग देखना है ना। इसमें भी तमाम तरीके का बात उठ रहा था कि पवन सिंह नचनिया बजनिया क्या कर लेंगे। अरे बहुत, उसको मौका दीजिएगा तब तो करेगा। कोई इस बार दे रहा है, एक अब की पारी मौका देना है, अब की पारी पवन सिंह को मौका देना है। अरे सबको 5 साल दिए हैं, 1 साल अब इनको भी देना है।
विकास होगा, विकास होना ही है, होगा एकदम होना ही। ग्राउंड पे जा जाके काम कर रहे हैं एकदम लगातार, एकदम रोड शो हो रहा है, एकदम होना है सर। ओ आपके परी पवन भाई निकलेंगे, निकलेंगे हाँ। गाना उना सुनते हैं पवन भाई? बहुत फर्स्ट क्लास। कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? सबसे देवी का गाना अच्छा लगता है। कौन सा? पवन सिंह का देवी का गाना अच्छा लगता है, मैया। कौन सा गाना अच्छा लगता है? अरे हम क्या गाई, सब बढ़िया। अच्छा केकरा के वोट देबा? पवन सिंह के, उपेंद्र कुशवाहा? पवन सिंह के दिए। पवन सिंह के, देखिए लोहर भाई यहाँ पे पवन सिंह का जो है पूरा काराकाट क्षेत्र में आता है। और देखिए यहाँ पे ऑटो वाले भैया, इनसे भी बात करते हैं, किसको वोट देना है इस बार? जी पवन सिंह। पवन सिंह पूरा पवनमय हो गया है। जी पवन सिंह, हाँ काराकाट क्षेत्र से पवन सिंह जीत रहे हैं। हाँ निर्दलीय। अच्छा, नाराज हैं आप लोग बहुत ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा जी से, इस चीज को देखा? काम नहीं कर रहे हैं और क्या नाराज है, सब तो नेता मंदाड़ी एक हैं, बाकी काम करना चाहिए ना। कंडेप सिंह से उम्मीद है कि काम करेंगे? वो काम करेंगे, उम्मीद है कि नेता बन जाएंगे तो भी बदल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उम्मीद है अब मालिक के दया। देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, क्या कह रहे हैं? पवन सिंह जीतेंगे, पवन सिंह एकदम जीतेंगे। चलिए देखिए पवन सिंह, पवन सिंह है, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, किसको देना है भैया आपकी बार, उपेंद्र कुशवाहा जी को कि पवन सिंह को? पवन सिंह को देना है, पवन सिंह को। पूरा काराकाट क्षेत्र जो है पवनमय हो गया इस बार, पवन सिंह के जेब में हूं बिल्कुल। हाँ उपेंद्र कुशवाहा कोनो काम निखन के लेना है, जे पहले आइल बा तो कुछ काम निखे के ले। ऐसे नया चेहरा के पसंद कर जाता हूँ, उम्मीद बा के नया चेहरा काम करी, काम करेंगे इसी उम्मीद में जो है, बस उम्मीद है, देखते हैं कि खड़ा उतर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, और राजनेता नहीं है, तो दिल से सोचने वाले आदमी है, दिमाग से सोचने वाले नहीं है। पवन सिंह इस बात का बड़े ये है कि पवन सिंह दिल से इसीलिए जो भी बोलता है बंदा बोल देता है, बोल के कर देता है ना। बिल्कुल। और भी देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद है, लेके आइए भैया यहाँ देखिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा जी? कुछ पैसा उसे खर्चा करिए, खर्चा तो करिएगा तुम ना। अच्छा खर्चा करेंगे, उधर वोट चल जाएगा। देखिए भैया इनका कहना है कि जिधर खर्चा हमको मिल जाएगा उधर वोट बांट देंगे, तो आपके पक्ष में आपके पार्टी से कितने लोग हैं इस टाइप के, आपके क्षेत्र में और भी लोग हैं पैसा देके वोट मारने वाले? क्या बोलना है बोलिए? बोलना है कि पवन सिंह को कि उपेंद्र कुशवाहा, किसको वोट दीजिएगा? जो पैसा देगा उसको वोट दे देना है, पैसे पे वोट किना जाएगा आपकी वरना जी, क्या कह रहे बोलिए आप, क्या बोलिए? अधिकार है आपका, बोलिएगा नहीं, अधिकार है ना आपका वोट देने का, पूरा परिवार आपका अधिकारी है, वोट देगा किसको देना है? पवन सिंह को। अच्छा का है पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा का है? नहीं सब पवन सिंह हो चाहे कोई हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र स्वाजी ना, वेन वाली क्षेत्र में अभी। अच्छा और बोली मतलब है कि आपकी पवन सिंह के देवे के ना, पवन सिंह हो चाहे कोई कोई जीती कोई दे देवे के बाद, जे जीती ओकरा के दे देवे के बाद, जेने से माल मिली पैसा मिली ओकरा के ना ना पैसा के बाद। मजाक कर, देखिए भैया यहाँ पे है, किसको देना है वोट आपकी बार, उपेंद्र कुशवाहा जी की पवन सिंह को? अरे भैया अभी कहा बताए, अभी हम कहा बता सकते हैं, जिधर लोहर जाएगा उधर से देना है, देखेंगे बाद में किसका कलमा ने जीत हो रहा है, जिधर जीत होगा उधर दे देना तो है। फिर यूथ का देखिए क्या विचार है, क्या विचार है कौन सी? हमारा भी नहीं वोट में नाम है ना, नहीं क्या बोल रहे हैं पवन सिंह निकल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, तमाम तरीके का चीज़ देखे, हम बहुत लोगों से पब्लिक ओपिनियन यहाँ लेने का कोशिश किए, और तमाम लोगों में 90% जो है यहाँ पवन सिंह को चाहने और मानने वाले लोग हैं। बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइएगा कि मैं अभी विक्रमगंज चौराहे पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको वोट देना है इस बार भैया? जहिया देखो, देखिए जहिया आई तहिए देखिए लोग, ऐसा ऐसा भी लोग बड़े कहेंगे जेने लोहर चल जाए वो नहीं वोट दे देवे के बाद, यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मिलते फिर अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट ओपिनियन के साथ, किसका क्या रहता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।